हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डियर किराना बिजनेस में। फिर मैं लाया हूँ एक और नई वीडियो। गाइस आज हम बात करेंगे मोमबत्ती का होलसेल प्राइस कि मोमबत्ती एक पेटी कितने का रही होलसेल रेट और एक पैकेट के अंदर कितनी पैकेट मोमबत्ती की भर्ती होती है। गाइस आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि एक पेटी कितने रुपये तैयारी है और एक पेटी हमें कितने पड़ी है होलसेल रेट और एक पेटी सेल करने पर कितना फ़ायदा होगा। अगर आप थोक में देंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप रिटेल में सेल करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि मोमबत्ती की पेटी कितने का रही होलसेल रेट, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दीपावली में कितना ज़्यादा सेल होता है मोमबत्ती और कितना ज़्यादा मांग होता है इस मोमबत्ती की, क्योंकि मोमबत्ती बहुत ज़्यादा सेल होता है, बहुत ज़्यादा बिकता है। तो मोमबत्ती पर कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन किराना दुकानदार भाई के पास मेरी वीडियो पहुँच सके और वो भी जान सके कि मोमबत्ती का होलसेल प्राइस क्या है और एक पेटी मोमबत्ती कितने का होलसेल रेट और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए मोमबत्ती कुछ इस तरह से आती है पैकिंग में, यानी कि हर तरह की पेटी होती है। बट गाइस ये मोमबत्ती इस तरह की पेटी है जो कि गाइस इस पेटी के अंदर कितनी पैकेट मोमबत्ती है। गाइस मैं आपको इस पेटी को ओपन करके मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कितनी पैकेट मोमबत्ती होती है और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि मोमबत्ती की पेटी हर तरह की होती है, तो गाइस जो मोमबत्ती मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मोमबत्ती मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मोमबत्ती की पेटी इस तरह से होती है, पूरा सारा सैंपल सा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप तिल्ली तेल मंगाते होंगे तिल्ली के तेल की पेटी भी इस तरह आती है, एकदम सादी आती है, तो हर तरह की पेटी होती है गाइस। तो गाइस आप बात करते हैं इस पेटी के अंदर कितनी पैकेट मोमबत्ती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस पेटी के अंदर 60 पैकेट मोमबत्ती है जो कि गाइस हमें कितने पड़ी है होलसेल रेट जानने से पहले गाइस इस पेटी को ओपन करते हैं और देखते हैं एक पैकेट के अंदर कितनी मोमबत्ती है, यानी कितनी भरती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस पेटी को ओपन करके, क्योंकि एक्चुअली मैं इस पेटी को ओपन कर चुका हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए दिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक पैकेट के अंदर कितनी मोमबत्ती है, यानी कितनी भरती है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसके जो कि ये गाइस 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती है। अब गाइस 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती पर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको इस मोमबत्ती पर। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी किस तरह से मंगा सकते हैं इस मोमबत्ती को। आपको चाहिए 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती हो गई या फिर छोटी में हो गई, आपको जो मोमबत्ती चाहिए आप कॉन्टैक्ट करके उस मोमबत्ती को मंगा सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज़ होता है कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस वीडियो में सबको कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ कि आप किस तरह से कॉन्टैक्ट करके आप मोमबत्ती को मंगा सकते हैं। आपको 5 रुपये की मोमबत्ती चाहिए या फिर छोटी वाली चाहिए या फिर उससे बड़ी चाहिए, आपको जिस हिसाब से मोमबत्ती चाहिए बड़ी में छोटी में आप कॉन्टैक्ट करके उस मोमबत्ती को आप मंगा सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज़ होता है कॉन्टैक्ट नंबर, और वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं एक पैकेट के अंदर कितनी मोमबत्ती भरती है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये एसके कंपनी की है। अब गाइस बात करते हैं कि एक पैकेट के अंदर कितनी मोमबत्ती है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये एक पैकेट के अंदर आपको मिलेगा 12 मोमबत्तियाँ, यानी 12 पीस है एक पैकेट के अंदर। अब गाइस इसकी तैयारी है 60 रुपये। अब गाइस ये आपको कितने में पड़ी है, आप कितने में सेल कर सकते हैं, देखिए आपको कितना फ़ायदा होने वाला है इस मोमबत्ती पर। तो गाइस ये एक पेटी के अंदर 60 पैकेट मोमबत्तियाँ हैं। गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से मोमबत्तियाँ आई है, जो कि गाइस ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर दिया था। एक्चुअली इस मोमबत्ती की पेटी कल आई है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये पेटी हमें कितनी पड़ी होलसेल रेट। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती एक पेटी हमें पड़ी है 1488 रुपये का। तो अगर आप भाग करेंगे 1488 रुपये से, अगर आप भाग करेंगे 60 पैकेट जो कि गाइस ये एक पेटी के अंदर 60 पैकेट है, तो आपको गाइस कितने पड़ने वाली है 24.80 रुपये पड़ने वाली है आपको ये एक पैकेट। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना ज़्यादा सस्ता है 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती, जो कि गाइस इसकी तैयारी 60 रुपये है। अगर आप इस मोमबत्ती को खुलते हम सेल करेंगे तो आपको 35.20 रुपये मिलने वाला है ये 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती सेल करने पर। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आप थोक में देना चाहते हैं ये पैकेट, आप थोक में देना चाहते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, गाइस अगर आप इस मोमबत्ती पैकेट को अगर आप सेल करेंगे थोक में देंगे, यानी एक पैकेट, तो आप 55 रुपये में सेल कर सकते हैं, 50 रुपये में भी सेल कर सकते हैं। तो गाइस ये मोमबत्ती पैकेट अगर आप थोक में देंगे एक पैकेट पूरा, तो आपको अगर आप 55 रुपये में सेल करेंगे तो आपको 30.20 रुपये मिलेगा ये एक पैकेट मोमबत्ती सेल करने पर। तो गाइस अगर आप इसी मोमबत्ती को अगर आप 50 रुपये में सेल करेंगे थोक में, तो गाइस आपको 25.20 रुपये मिलेगा ये एक पैकेट मोमबत्ती सेल करने पर। और गाइस अगर आप इसी मोमबत्ती को अगर आप रिटेल में सेल करेंगे, यानी खुलते में सेल करेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, यानी खुलते पर सेल करने पर ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको ये एक पैकेट सेल करने पर सीधा सीधा 35.20 रुपये मिलने वाला है ये एक पैकेट मोमबत्ती सेल करने पर। आप गाइस बात करते हैं इसकी तैयारी की,
कि ये 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती एक पेटी कितने रुपये तैयारी है, यानी एक पेटी सेल करने पर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, यानी कितना फ़ायदा होगा एक पेटी सेल करने पर। तो गाइस देखिए, जो नए किराना दुकानदार हैं थोड़ा उनका कन्फ्यूज़न होता है कितना प्रॉफिट होगा कितना मार्जिन होगा, तो गाइस मैं आपको कैलकुलेटर भी करके दिखा दूंगा ताकि जो नए किराना दुकानदार हैं उनको समझ में आए कि 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती सेल करने पर कितना फ़ायदा होता है, और रिटेल में सेल करने पर कितना फ़ायदा होता है, और होलसेल और थोक में सेल करने पर कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। वैसे इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखा दूंगा ताकि अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो नए किराना दुकानदार हैं उनको भी समझ में आ जाए कि कितना फ़ायदा होता है 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती सेल करने पर। और गाइस सबसे खास बात, जो मेन चीज़ होता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ सबसे जो मेन होता है कॉन्टैक्ट नंबर, गाइस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखा दूँ कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो गाइस ये है कैलकुलेटर, अब गाइस मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। देखिए गाइस, ये हमें पड़ा है 1488 रुपये का, यानी एक पेटी। अब गाइस ये एक पेटी के अंदर 60 पैकेट मोमबत्ती है, तो गाइस 1488 भागे 60, जो कि गाइस ये एक पेटी के अंदर 60 पैकेट है। तो गाइस ये हमें एक मोमबत्ती यानी एक पैकेट मोमबत्ती पड़ी है 24 रुपये 80 पैसे में। गाइस आप बताते हैं, ये एक पैकेट 24 रुपये 80 पैसे में पड़ी है हमें एक मोमबत्ती, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, और इतना सस्ता आपको शायद दीपावली पर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक किराना दुकानदार हैं तो गाइस आपको 15 दिन पहले इस मोमबत्ती को ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 15 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले अगर आप इस मोमबत्ती को, छोटी मोमबत्ती हो गई या बड़ी मोमबत्ती हो गई, कोई भी मोमबत्ती हो, अगर आप गाइस मोमबत्ती को 15 दिन या 20 दिन पहले अगर परचेस करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप गाइस अगर आप इसे होलसेल सेल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा 35 रुपये 20 पैसे से अगर आप गुणा करेंगे 60, जो गाइस ये एक पैकेट के अंदर 60 पैकेट है, तो गाइस सीधा तो गाइस ये 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती एक पेटी सेल करने पर 2112 रुपये फ़ायदा होगा ये पूरी पेटी सेल करने पर, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ायदा है मोमबत्ती सेल करने पर, इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब गाइस अगर इसकी सेल की बात करें तो गाइस इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दीपावली में इतना ज़्यादा सेल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितना ज़्यादा सेल होता है और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है हम रिटेलर दुकानदार को। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जो मेन चीज़ होता है कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि देखिए आप इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर किसी का नहीं दे सकते गाइस, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा आपको, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जितना मोमबत्ती चाहिए आप उतना मंगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी मान लेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा आपको। अगर सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर आप मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये मोमबत्ती कहाँ बनती है डायरेक्ट, देखिए आप उस एरिया से जाके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा मोमबत्ती बनने वाली है, यानी आपको फैक्ट्री मिलेंगी, कंपनियाँ मिलेंगी, क्योंकि देखिए फैज़ाबाद का ये बना हुआ है, क्योंकि ये फैज़ाबाद में बनती है। जैसे आप देख सकते हैं एरिया नंबर 2 मुमताज़ नगर, एरिया नंबर 2 में आपको मोमबत्ती काम ही होता है, आप वहाँ से अगर आप मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे फैज़ाबाद से, तो आपको मुमताज़ नगर में एरिया नंबर 2 में आपको ये मोमबत्ती वहाँ पर बनती है, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आप मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते होंगे, दूर के होंगे, तो कहते मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जितना माल चाहिए आप मंगा सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।